सीखने को मिले, पहले मैंने पता लगा भी आप माइक है मैं सोचता रहा भी गुरशी है कोई सब नु जैम सी जी लेट आया उहदे नाल ताल लेट होने करके तालमेल बिठाउणा औखा हो गया सी। उन्हें मैंने कुछ पूछा ही, मैंने जवाब नहीं आए, कुछ लैंग्वेज की भी थोड़ी समस्या आई, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैं लेट आने आया ही, लेकिन भाजी ने बड़ी वधिया गल दसी मैंने हूँ ही, भी उन्होंने ये भी दसिया भाजी होना के पास्टर जी ने कि सप्प की न्याई चलाक तो कबूतर वगू भोले होने का अर्थ की है, ये भी सीखने को मिले। एक चीज़ ये बड़ी वधिया लगी कि कलीसिया दे विच ये रौला पाउण की लोड़ नहीं कि आ करो वो करो, कलीसिया दे मैंबर अंदर फल उत्पन्न होणगे तो काम अपने आप ही करनगे। और एक बात बहुत अच्छी लगी वो जो आपने करंट वाली बोली थी, है ना, इसके अंदर ज्ञान है और इसके अंदर सामर्थ्य भी है। और ये मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया था जब देहरादून में एक हिंदू भाई के घर हम प्रचार करने गए थे, और मैं मसीह परिवार में पैदा हूँ और बहुत छोटा था जब से मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैंने इसको पढ़ा, इसका ज्ञान भी हासिल किया, लेकिन इसकी इसके अंदर शक्ति कितनी है पहली बार देखी मैंने। वो उनकी बेटी जो थी वो उनके ससुराल में झगड़ा हुआ था, वो घर में बैठी थी और वो बड़े परेशान थे सब लोग। मैंने वैसे कहा मैं हम बाइबल पढ़े, जब मैंने यूहन्ना की इंजील वो 14वां अध्याय खोला और मैंने पढ़ना शुरू किया, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ, तो पढ़ के मैंने कहा आओ हम प्रार्थना करें। वो बहन बोली भैया इसे बंद मत करो। मैं क्या हुआ, जब जब आप इसे पढ़ते हैं मेरे अंदर शांति आ रही है। और मैंने पहली बार ये महसूस किया मसीह परिवार में पैदा होने के बाद भी मैंने महसूस किया कि इसके अंदर शक्ति भी है। और एक घर में मैं प्रार्थना करने के वो बहन ने मुझे बुलाया, आप हिंदी समझ लेते हैं ना मेरी थोड़ी थोड़ी, मुझे हिंदी कम ही आती है, पंजाबी बंदी हिंदी वह भी करा रही हैं अड़ जाती हैं। वो मैं उस घर में प्रार्थना करने के लिए, बहन ने बोला कि मेरे काफ़ी बीमार थी वो, हम गए उसने बाइबल खोल ली, मैंने भी वो प्रश्न पूछती कि मैं उत्तर देता गया। एक डेढ़ घंटा बाद हम बाइबल पढ़ते रहे, डेढ़ घंटे बाद मैंने बोला बहन अंधेरा काफ़ी हो गया अब जाएं हम प्रार्थना करें। बोली प्रार्थना की जरूरत नहीं, वचन सुनते सुनते मैं ठीक हो गई। और आपने ठीक बोला, इसको पढ़ते हैं तो सिर्फ ज्ञान नहीं मिलता, इसके अंदर करंट भी है ना। सताइयों किसी ने लिखा ना बड़ा सोना पंजाबी च, तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दें। जैम सी सारे ने